Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वचन देने से पहले सोचना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये बात कहते हुए हमने सुना गौतमा को, गौतमा और मल्हार राव होलकर की जब बातचीत हो रही थी खंडे राव को लेके, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं बाप और बेटे के बीच में नहीं आऊंगी। तब गौतमा को इस बात का एहसास नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, मगर जब वो हुआ सजा सुनाएगी तब गौतमा को पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस पे चर्चा करना तो बनता ही बनता है दोस्तों। तो चर्चा शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये वचन की परंपरा जो है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में बहुत देर से बहुत पुरानी चली आ रही है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग अप्लाई भी करते हैं, तो ये चीज चलती है। और ऐसे ही गौतमा ने भी किया, उन्होंने वचन दिया तो उसको निभाया भी, चाहे वो रोई धोई जो भी हुआ मगर उन्होंने निभाया। मगर दोस्तों बात यह है कि एक तो ये होता है कि वचन देने से पहले सोचना चाहिए कि इसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा। बट वो कहते हैं ना कि जब जुबान पे कोई चीज आती है तो वो विधि का विधान होता है, वो अपने आप ही चीजें वैसी मुंह से निकल जाती हैं और आप उस चीज में कैद हो जाते हो। तब आपको बहुत बुरा लगता है कि ये बात मैंने क्यों कह दी, ये मैंने वचन क्यों दे दिया। क्योंकि हमने, अब मैं ज्यादा स्टोरीज में नहीं जाऊंगी, दो ही मशहूर स्टोरीज जो हम आज भी अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, और हम उनसे समझते हैं कि कैसे भगवान राम ने अपनी माता का वचन पूरा किया, वनवास लिया, और उस वनवास का पर्पस क्या था कि रावण वध, ताकि जो प्रजा है जो जनता है उसको बुराई से बचाना। तो उस वचन का जो 14 साल पहले का जो उनका वनवास का जो भी था उसका मेन बेस था कि बुराई से लोगों को बचाना, और ये पहले से ही निर्धारित था। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है, महाभारत में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वचन लिए, और सबसे मशहूर वचन था किसका, भीष्म पितामह का। उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा जो आज भी मशहूर है कि मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा, है ना, ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली। मगर उसके पीछे भी कारण था कि उनको बुराई के साथ रहना था। क्यों रहना था? क्योंकि बुराई के साथ रहने के लिए कोई अच्छा बंदा अगर हो तो वो कहीं ना कहीं उनको टोकता रहेगा, उनको अच्छाई की तरफ इनकरेज करता रहेगा, और साथ में ये भी कि एंड जो है वो अच्छा ही होगा। तो ये चीज बहुत सारी एग्जांपल्स है, तो मैंने जो मुझे याद आया मैंने आप शेयर की, तो ये है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जब वचन दिया है गौतमा ने, मैंने पहले भी आपसे बात की है, तो जब ये चीज मुंह से निकल गई है जो पहले कभी उसके मुंह से नहीं निकली, गौतमा ने कभी पहले नहीं कहा कि मैं वचन देती हूँ मैं नहीं आऊंगी, ये वो सारा कुछ कुछ नहीं कहा, इस बार कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस वचन के पीछे खंडे राव की बहुत बड़ी भलाई है, जो सिर्फ और सिर्फ मल्हार राव होलकर को दिख रही है और किसी को नहीं दिखाई दे रही है। मल्हार राव होलकर जानते हैं कि इस परीक्षा से, इस पछतावे से जब खंडे राव बाहर निकलेंगे 7 साल बाद, तो एक अच्छे शासक की तरह सामने आएंगे। अगर वो विजन जो मल्हार राव होलकर देख रहे हैं अगर गौतमा भी देख ले तो उनका दुख कम हो जाएगा, अहल्या का दुख भी कम हो जाएगा, और बाकी जो भी खंडे राव के जाने से दुखी है उनका दुख भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये वचन की परंपरा हमारे साथ सदियों से चली आई है, और कभी भी ये जरूर कहूंगी कि वचन देना हो तो सोच समझ के देना चाहिए, और अगर वचन दे दिया है उस पे कायम रहना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वचन के पीछे बहुत भलाई छुपी होती है। क्योंकि ऐसे ही आपके मुंह से चीजें नहीं निकलती हैं, जैसे कि नवीन जी ने भी अपने वीडियो में कहा था कि कोई भी चीज है होती है अपनी जिंदगी में उसका कोई कारण होता है, रीजन होता है उसके पीछे, और वो रीजन हमेशा भलाई की तरफ ही जाता है, चाहे प्रेजेंट मोमेंट पे हमें वो बहुत बुरा लगे कि ऐसा क्यों हो गया, मगर फ्यूचर में पता चलता है कि ये कुछ अच्छे के लिए ही उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो वचन की जो महिमा जो है, जो मैंने आपके साथ की है, उससे आप कितने सहमत हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।